सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। विधायक के अचानक हॉस्पिटल में आने से हड़कंप सा मच गया। विधायक ने अस्पताल में जहां सफाई व्यवस्था का जायजा लिया, वहीं उन्होंने मरीजों से मिलकर उनका कुशल क्षेम भी जाना और उन्हें पेश आ रही दिक्कतों के बारे में भी पूछा। सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। विधायक के अचानक हॉस्पिटल में आने से हड़कंप सा मच गया। विधायक ने अस्पताल में जहां सफाई व्यवस्था का जायजा लिया, वहीं उन्होंने मरीजों से मिलकर उनका कुशल क्षेम भी जाना और उन्हें पेश आ रही दिक्कतों के बारे में भी पूछा। उन्होंने सभी से फीडबैक लिया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कार्यप्रणाली में सुधार के निर्देश भी दिए। विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि उन्होंने औचक निरीक्षण किया है, जिसमें कई बातें सामने आई हैं, जिसमें सुधार का नितांत आवश्यकता है, जिसके लिए वे आवश्यक दिशा निर्देश अस्पताल प्रशासन को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीज अच्छे इलाज के लिए आते हैं, इसलिए सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वे जल्द ही स्वास्थ्य मंत्री से भी मिलेंगे। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि अस्पताल में चिकित्सकों की संख्या बहुत ज्यादा कम है। कांग्रेस सरकार में चिकित्सकों की संख्या 34 हुआ करती थी, जो घटकर करीबन 23 रह चुकी है, जो एक शर्मनाक बात है। आज औचक निरीक्षण था क्षेत्रीय अस्पताल सोलन का, और देखने में आया कि कई एक विभिन्न समस्याएं हैं इनकी, जो जिन पर ध्यान देना जरूरी है। हालांकि इस हॉस्पिटल को 150 से 200 का किया गया था राजा वीरभद्र सिंह की सरकार में, और मैं स्वयं मंत्री था, और हम लोगों ने इसको अपग्रेड किया, 200 बेडेड का बनाया। इस हॉस्पिटल में समहाउ जो जितना स्टाफ होना चाहिए था उतने कभी आ भी नहीं पाया। हमारे वक्त मुझे याद है 30-35 डॉक्टर भी एक बार आए, अब मैक्सिमम 23 आएंगे, परंतु ऑन ग्राउंड इतने होते नहीं। आम जनता की परेशानी जरूर बढ़ती है, और उस दबाव के कारण ही मैं देखने आया हूं कि इस समस्या को ऑन द ग्राउंड देखें। कुछ एक हाइजीन की, सफाई की, यहाँ की जैसे देखा गया कि कुछ कमरे भी ऐसे हैं जिनमें शायद ठीक से पंखे नहीं हैं, या जैसे आमतौर पे ऑक्सीजन नॉर्मल हवा की घूमनी चाहिए वैसी नहीं है, तो उनमें भी सुधार होगा। जो ढीलापन रहता है कार्यकर्ताओं का, जो काम वर्क कल्चर है, वो इतना अच्छा नहीं रहा, इसीलिए मैं औचक निरीक्षण पे आया, और मुझे पूर्ण आशा है कि अब इनकी व्यवस्था ठीक होगी और जहाँ जहाँ जो कमी है वो सब दूर होंगी। तो ये था आजमगढ़ का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।